दोस्तों ये है टीवीएस की न्यू मॉडल टीवीएस रेडोन 110 सीसी की ड्रम ब्रेक रॉयल पर्पल कलर में। इस बैग में कंपनी कुछ बदलाव किए हैं वो आपको बताएंगे। अब इसकी नए में ऑन रूट कीमत क्या है, क्या फीचर्स मिलता है, माइलेज कितना देता है जानेंगे इस वीडियो में। चलिए अभी सिनेमेटिक एंजॉय करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। टीवीएस का 3D में जो लोगो दिया गया है और नीचे की साइड हेडलाइट के चारों ओर क्रोमिक डिज़ाइन दिया गया है और हेलोजन सेटअप बल्ब दिया गया है और नंबर प्लेट के लिए ट्रे दिया गया है। इसमें हमें जो आगे की ओर फेंडर देखने को मिलता है वो ग्लॉसी पर्पल कलर में देखने को मिल जाता है। साइड में जो फ्लेक्सिबल हेलोजन सेटअप बल्ब देखने को मिल जाता है। प्लेन साइड आपको मिल जाता है। इसमें आपको कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। इसमें ड्रम ब्रेक की सेटअप देखने को मिल जाता है। दोनों साइड रिफ्लेक्टर भी फिटेड किया गया है। 275.18 की ट्यूबलेस टायर और 18 इंच का ब्लैक कलर एलॉय मिल जाता है आपको। राइट साइड प्रोफाइल कुछ आपको ऐसे देखने को मिल जाता है जहाँ ग्राफिक्स डिज़ाइन के साथ क्रोमिक डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। अभी बात करते हैं इसकी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। इसमें आपको फुल्ली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है जहाँ बैटरी गेज, पावर इंडिकेशंस और बाकी सारे डिटेल्स, फ्यूल गेज सब कुछ मिल जाता है। यहाँ की होल है और राइट साइड हैंडल बार के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पावर स्विच, नीचे सेल्फ स्टार्ट बटन आपको देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड हैंडल बार के बारे में बात करते हैं, यहाँ पास लाइट और अपर डिफर आपको मिल जाता है और इंडिकेटर बटन आपको मिल जाता है और यहाँ हॉर्न फिटेड किया गया है। इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है वो 10 लीटर का है। इसमें आपको टैंक पैट देखने को मिल जाता है जहाँ आपको टीवीएस का 3D में बैजिंग देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आए तो यहाँ ETFI का बैजिंग देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ रेडोन का बैजिंग 3D में मिल जाता है जहाँ व्हाइट एंड ब्लैक का स्टिकरिंग दिया गया है। और आते हैं इंजन की तरफ। इसमें आपको गोल्डन कलर इंजन के साथ TVS का रेड कलर बैजिंग के में आपको मिल जाता है। इसमें आपको किक स्टार्ट की ऑप्शन देखने को मिल जाता है जहां आपको सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट बोथ फैसिलिटी यहां मिल जाता है। ये राइडर फुट पैक्स हैं। सामने की तरफ रियर ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है और कैटलेटिक कन्वर्टर के साथ इंजन फिटेड किया गया है या सिंगल हॉर्न फिटेड किया गया है। बात करते हैं इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसमें आपको 100.9 सीसी का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक BS6 ETFI इंजन दिया गया है। पूरा एग्जॉस्ट की साइड आपको क्रोमिक वर्क देखने को मिल जाता है जिसके ऊपर गार्ड भी लगा हुआ है। बात करते हैं इसकी रियर व्हील के बारे में। इसमें आपको 3.00x18 की टायर आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है जिसका ड्रम ब्रेक साइज जो है 110mm की है और इसमें 5-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। ऊपर के साइड आपको ड्यूरा लाइफ का स्टिकरिंग देखने को मिल जाता है और पिलियन राइडर के लिए क्रोमिक हैंडल बार दिया गया है और पीछे की साइड टोटली हेलोजिन सेटअप अपने को देखने को मिल जाता है। नीचे की साइड रेड कलर रिफ्लेक्टर दिया गया है और यहाँ TVS का स्टिकरिंग किया गया है। इस बाइक की लेफ्ट साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी दिखती है जहाँ टैंक पैड के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टिकरिंग की यूज़ किया गया है। इस बैग में आपको 180mm ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है जिसके कारण काफ़ी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है जिसके कारण डेली कम्युनिटी के लिए ये बाइक बहुत कंफर्टेबल रहता है। इंजन की लेफ्ट साइड में भी आपको गोल्डन फिनिश देखने को मिल जाता है जिसमें आपको रेड कलर TVS डिजाइंड लोगो मिल जाता है जिसमें आपको 4-स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। और ऊपर की तरफ आए तो यहाँ ETFI का बैजिंग आपको देखने को मिल जाता है। नीचे की साइड
रेडियन का बैजिंग भी देखने को मिलता है। यहाँ चेन कवर दिया गया है, फुल्ली कवर्ड चेन कवर दिया गया है, पिलियन एडजस्टेबल फुट रेस्ट और यहाँ साड़ी गार्ड और फाइव स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। बात करते हैं इसकी सीट की, इसमें आपको प्रीमियम सीट दिया गया है जिसका कुशनिंग क्वालिटी बहुत सॉफ्टर साइड है। और लेफ्ट साइड में आपको ईसी यूनिट लॉक देखने को मिल जाता है। ये है आपके सामने रॉयल पर्पल और ये है रीगल ब्लू कलर, दोनों कलर वेरिएंट यहाँ मौजूद है। ये रीगल ब्लू कलर है, इसमें आपको और भी 10 कलर ऑप्शन मिल जाता है। बात करते हैं इसकी एक शोरूम प्राइस के बारे में, ये आपको लगभग 17,239 एट कंटाई वेस्ट बंगाल में आपको मिल जाता है। जो लोग वेस्ट बंगाल कंटाई के नियरेस्ट रहते हैं वो लोग बेरा TVS में विजिट कर सकते हैं। शोरूम के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में दिया गया है, कॉल करें जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।